बाहर से मेडिकल ग्राउंड में आने वाला लोग को वही रिक्वेस्ट है कि मैंने आप लोग एक पिया में कुछ समय का आपका इनलेट परमिट जो इशू किया जाता है, जैसे कि 15 डेज का होता है, तो 15 डेज का वो परमिट को आप लोग लेके आइए यहाँ पे ना, तो यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आप एज ए लीगल में आप गवर्नमेंट का तरफ से अथॉरिटी लेके आते हैं बोलने से तो ठीक है। तो अगर यह आप 15 डेज का लेके या आप परमानेंट सेटल कर रहे हैं, तो आप उस वो कागज़ का जरिया से आप अपना इनलाइज जो परमिट है जो यह रहने का उसको आप बना लीजिए। हम लोग जितना भी आज जो पक रहे हैं, हम लोग का तरफ से तो वही है कि अभी जो आपका या में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्री और या थाना का जो ओसी मैडम है, वो लोग को हम लोग सौंपा गया है। तो वो लोग जो अपना कानून का थ्रू से क्या करता है वो लोग अपना से करेगा, उसका बाद जो लीगल है उसको मेरा हिसाब से तो आई थिंक बंडरदुआ गेट में छोड़ देना चाहिए इलीगल वाला को। और जो लीगली अगर यह आके थोड़ा कागज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है उसको ये करके कागज़ बना के लीगल में बना के कागज़ को बना के छोड़ देने से भी तीखी है हम लोग का यूथ का तरफ से। तो ऐसे देखा जाए तो हर साल को इनर लाइन परमिट चेक करते हैं, मगर ऐसे देखने में और भी पॉपुलेशन बढ़ते जाए है बिना यहाँ पर जो है इनर लाइन परमिट नहीं होकर कभी यहाँ पे अरुणाचल में एंट्री होता है, तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम ये बोलेगा कि जो हमारा यह सिटीजन है एंटर नाहरलैंड कैपिटल आंध्र में जो सिटीजन है, तो जैसे कि आपका यह कंट्रेक्टर हो गया, लेदर हो गया, और जो या बिजनेसमैन लेदर लोग हो गया, वो लोग को हम अपील करेगा कि आप लोग जो लेबर जहाँ से उतारता है तो प्लीज़ आप लोग इलीगल में उतार के मत लाइए, पूल डॉक्यूमेंट कागज़ बनाने का बाद यहाँ में लेके आइए। या हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन लीग कौन या राइट है कौन राइट नहीं है, या आप लोग लेके आ जाते हैं चोर देता है फिर वो लोग अपना मनमर्जी करता है, पूर्या में इलीगल काम करके निकल जाता है, तो उसका कोई एड्रेस नहीं होता है, कोई पता नहीं करता है। तो इसलिए हम सभी को वही रिक्वेस्ट है, यहाँ का जितना हमारा कैपिटल जो एल्डर्स है सिटीजन है सबको रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग प्लीज़ जब आप जब अपना टीका दर को जब लेबर उतारने देते हैं तो प्लीज़ पूल कागज़ बना के पूल डॉक्यूमेंट्स करके यहाँ लेके आइए। और हम लोग हमेशा ऐसे अभी कुछ महीना के बाद चेकिंग होते रहेगा, तो हम लोग का ये मैसेज आप लोग पे ये जाता है कि मैंने आप लोग जो भी यहाँ में लेबर लेके आते हैं उसको पूल डॉक्यूमेंट्स का साथ लाइए, तो हम लोग का चेकिंग हमेशा पारदर्शी रहेगा, चेकिंग होते रहेगा। तो ऐसे देखा जाने से तो हम लोग का लड़की को आज फर्स्ट टाइम किया है ये चीज़ में पार्टिसिपेट, और आज हम बहुत सारा हम लोग ये डेली मार्केट साइड में किया था, तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसे दिखाई मिला है जो नॉन ट्रैवल वहाँ पर था जिसका हम लोग मांगा था आज की, तो वो लोग बोला कि आप लोग ऐसे शादी में कैसे चेकिंग कर रहे हैं ना, लाइक ये चेकिंग तो उस समय होता है 15 अगस्त से पहले, मतलब एक पर्टिकुलर डे हिसाब से चेकिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लोग वेल प्रिपेयर हो जाते हैं वो चीज़ के लिए। अगर हम लोग डेट हिसाब से वो लोग को रखेगा तो वो लोग का क्या हो जाता है कि बाकी समय ऐसे ही घूमेगा, अभी तो हम लोग को चेकिंग नहीं होगा, तो पर्टिकुलर एक टाइम होने से हम लोग वहाँ पर हम लोग अपना रेन्यू कर लेगा या तो फिर बना लेगा, तो ऐसे होने से हम लोग नहीं पकड़ पाएगा कि कौन सच में वो लोग लीगली बैठ रहे हैं ना इलीगली बैठ रहे हैं, तो ये सब बीच बीच में करना चाहिए। और बहुत ऐसे भी हम पक रहे हैं आज जितना मेरा एक्सपीरियंस था कि उसका बोलना ऐसा था कि मैं उसका रेन्यू नहीं है, मतलब डेट क्रॉस हो गया, लेकिन उसका जो मेन गेट में है वो जो बोले कि हम मेन गेट में सर से बात करके आ गया, लेकिन उसका प्रॉपर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हुआ थे, तो इस ऐसा को हम लोग क्या मतलब किस हिसाब से हम लोग हैंडल करेगा, थोड़ा इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि जहाँ पे जिसकी बंदर देवा चेक डेट है वहाँ में चेक करना चाहिए कि प्रॉपरली अगर हाँ चलो तुमको डेट दिया है रेन्यू करने के लिए तो उसके लिए एक कागज़ वहाँ से देना चाहिए, तब हम लोग देख सकेगा कि हाँ इसका प्रॉपर है डॉक्यूमेंट, तब हम लोग उसको छोड़ देगा, तो ये सब चीज़ को थोड़ा देखने से ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग आज का जो भी हम लोग किया है चेकिंग, ये सडनली था लेकिन बहुत मतलब अच्छा रहा है हम लोग का ना, बहुत हाँ मीनिंगफुल था, तो आगे भी मतलब ऐसे करना चाहिए बीच बीच में, हम लोग से यही करेगा हम लोग और भी आगे करने के लिए ट्राई करेंगे। अभी हमारा नाहरलगन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गोलो जेम्स थोड़ा बहुत कुछ दिन से एसोसिएशन को फॉर्मेशन किया है और अच्छा एक्टिवेट कर रहा है, तो उसी को हम लोग साथ देते हुए, मेरा तो बिजनेस कम्युनिटी का लीडर है, हमारा दुकानदार को भी बिजनेस कम्युनिटी को भी बोलता है, अब हम बिजनेस करने के लिए मना नहीं है, आप सब बिजनेस करो अरुणाचल में, कोई भी कर सकता है, अरुणाचल का आदमी फ्री कर दे रहा है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट को ठीक ठाक होना है, आप वो कहीं से आया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आया है, आपका नाम एड्रेस आपका स्टेट क्लियर होना है, और पुलिस से या मजिस्ट्रेट से आपका ये इनर लाइन परमिट कंपलसरी है,
बिना इनर लाइन परमिट में यहाँ में इजाजत नहीं है। तो हम हर मार्केट का लीडर होके भी समझाते हैं सबको, आप सबको सब कहीं भी कोना से आओ वेलकम है बिजनेस करने के लिए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट ठीक ठाक होना पड़ेगा। आप गुंडा भी हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है, और अपना देश में अपना जगह में किसी को मर्डर भी हो सकता है, तो बिना परमिट में यहाँ आके चुपके बैठा है। और उसको हम मेरा तरफ से साथ देता है सबको, और टाउन को कैपिटल को नीदिन क्लीन करना हमारा यूथ यूथ का ड्यूटी है, और हम लोग मार्केट का ड्यूटी है, और पुलिस को कोऑपरेट करता है, मजिस्ट्रेट को कोऑपरेट करता है, मेरा ड्यूटी हमारा टाउन को सिटी को नीदिन क्लीन रखना, इसलिए हम लोग साथ में रहता है। इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, ऑल नाहरलगन यूथ एसोसिएशन has appealed us to conduct ILP checking, ILP drive in Nahalagan Township. So आज का दिन में हम लोग यहाँ पे नाहरलगन यूथ के साथ पुलिस के साथ हम लोग ILP checking कर रहा है। अब तक का हम लोग बहुत आदमी उठा भी लिया है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट अरुणाचल इज ए प्रोटेक्टेड लैंड, एंड ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है फॉर आउटसाइडर्स। इन लोग यहाँ में विदाउट वैलिड इनर लाइन परमिट दे शुड नॉट कम, एंड फॉर फॉरेनर्स वी हैव इशूड रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट एंड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फ्रॉम द होम डिपार्टमेंट। तो रेस्ट आउटसाइडर्स जो हमारे देश के हैं, इंडिया के हैं, इन लोग जो भी आना चाहता है दे शुड फर्स्ट ऑब्टेन इनर लाइन परमिट एज पर 1873 एक्ट के तहत। इन लोग पास लेके, इनर लाइन पास लेके अरुणाचल में घुसता है। इनका जिसका एक्सपायर इन टाइम में रिन्यू कर नहीं पाया है, इन लोग का इनकेस अगर इस सिचुएशन में कोई आया है तो हम लोग रिन्यू कर देंगे, स्पॉट में भी रिन्यू कर देंगे जरूरत पड़ने से। हम लोग इनको इनका पास का इनर लाइन परमिट होना जरूरी भी नहीं है, और इन लोग को नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम लोग आइडेंटिटी कार्ड्स के थ्रू इन लोग को आना जाना करने देता है, एंड इट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ना आना। ये आइडेंटिटी कार्ड के तहत इन लोग को आने दे सकता है।